फ्रेंड्स वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स मैथ्स मार्वल इन डायनिकल लर्निंग बुक 8। सो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने के साथ में इंट्रोडक्शन दूंगा इस पूरे चैप्टर की। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 का ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, सबसे पहले हम चैप्टर का नेम ही पढ़ते हैं। नेम में है एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए एक्सपोनेंट शब्द का तो मुझे पता नहीं, हो सकता आपने सुना हो या ना, मगर पावर शब्द आपने जरूर सुना होगा। पावर का मतलब होता है कि बस अभी तक आपको ये पता होगा पावर नंबर के ऊपर लगती है। कैसे लगती है, जैसे हम मान लेते हैं 2 की पावर 6, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये इसके ऊपर अलग की। मगर अब आप इससे रिलेटेड अपने टॉपिक्स समझने वाले हैं। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस के बारे में। सो बेस क्या होता है, अब देखिए हम एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 raised to 6। सो यहाँ पे ये जो नीचे नंबर है ये है आपका बेस, और इसकी जो पावर है उसे आप कहते हैं एक्सपोनेंट। सो जितना मुझे लग रहा है आप सभी को समझ आ गया होगा क्या है ये मेन चीज। सबसे पहली बात तो कि बेस होता है वो जो नंबर मेन होता है वो वाला होता है, और उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे हम एक्सपोनेंट या पावर के नाम से जानते हैं। सो बेस और एक्सपोनेंट मैंने आप सभी को बता दिया। यहाँ पे बेस क्या है, बेस है यहाँ पे 2 और एक्सपोनेंट क्या है 6। सो ये तो बहुत ही जो बेसिक नॉलेज है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, हमने लिख तो लिया। 2 की पावर 6 का मतलब है कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 बार, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। सो इसका मतलब ये है, जैसे अब 3 की पावर 4 है, सो 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 बार। सो ये आप सभी को समझ आ गया होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 2 32 32 into 2 64। सो 64 आ चुका है 2 की पावर 6। अब 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 into 3 9 3 into 3 9 9 into 9 81। सो ये आ चुका है आप सभी को, उम्मीद कर तो इतना तो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए जो नंबर होते हैं ये वाले, जैसे अब किसी नंबर को एक्सप्रेस करना है, जैसे अब 1000 है, सबसे पहले तो अगर आपको इसे पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसे कैसे करोगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। सो जैसे 1000 है तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 की पावर 3। अब ये कैसे कि पहले तो 10 ही ले लो, अब कितने 0 1 2 3 3 रख लो। अब अगर चेक करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई भी करके देखें, 10 की पावर 3 यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी 1000 ही आंसर आएगा। सो इतनी आप सभी को बात समझ आ गई होगी। वैसे ही अब देखिए जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट है 6 की स्क्वायर, सो ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आप क्या करोगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया था वैसे। ये बहुत है। सेकेंड पार्ट है बी, 0 को 50 टाइम्स। अब देखिए कई स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे और कई स्टूडेंट्स 50 टाइम्स 0 को लिख भी देंगे। आपने क्या करना है, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 डैश 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 50 टाइम्स लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में अगर लिखना है। सो 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर तो 0 ही है, बस ये बात हो चुकी है आपकी। सो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं नेक्स्ट। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है 1 kg को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है डैश ग्राम। सो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, वैसे ये तो आप सभी को पता होगा 1000 ग्राम। अब 1000 कितना होता है, 10 की पावर 10 raised to 3 ग्राम, ये मैंने आप सभी को समझा दिया था। वैसे ही सेकंड पार्ट है इसका, 1 kilometer = 10 cm। सो देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सबसे पहली बात 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। पहले 1000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ईजी सी ट्रिक बताता हूँ, 0 बस लगा दो 1 के पीछे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो इतने होते हैं 1000000 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 की पावर
जीरो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 आ गया आपका आंसर। सो उम्मीद करते हो इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव बेस से रिलेटेड। अब देखिए, अगर आपका बेस है जो वो नेगेटिव आ जाए, जैसे -2 की पावर 3 है, सो अब इसमें आपको -2 को 3 के 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस। अब देखिए, 2 बार तो माइनस करने में कट जाएगा, 1 का माइनस रह जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 1 माइनस का साइन था वो जरूर लगेगा, सो -8 आ जाएगा। अब देखिए एक और नंबर ले लेते हैं, -4 की पावर 2। सो -4 को अब हम -4 के साथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस माइनस तो कट जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 16। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपको आ भी सकते हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, ये वैसे एक्सरसाइज में जैसे मैं कराऊंगा तो उसमें जरूर करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस, बट एक बात मैं आप सभी को इस डाटा से एनालाइज करके बता सकते हैं हम सभी आपको, वो चीज़ है कि किसी भी नंबर का अगर पावर ऑड हो, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली नेगेटिव बेसिस के लिए, जिसका बेस नेगेटिव हो। सो जिस भी नंबर की पावर ऑड हो उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और जिस भी नंबर की पावर, नेगेटिव बेस की पावर इवन हो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। ये आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑड पावर थी 3 थी, सो 3 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस में आंसर आया। अब यहाँ पे इवन पावर थी माइनस वाले की, सो 16 आया। देखिए बहुत इजी है ये, आपको अच्छी तरह से जब समझ आएगा वो आई थिंक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं, वो है अगर किसी नंबर की पावर 0 हो, 0 पावर, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये मैं बहुत ही ईजी मेथड से आप सभी को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर एक्स की पावर 0 है तो उसे आपने 1 के इक्वल ले लेना है, 2 की पावर 0 है तो उससे आपने लेना है 1 के इक्वल, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उससे किसकी इक्वल ले लेना है 1 के, इतनी सी बात याद रख लो। और अगर इसका आप रीज़न चाहते हैं कि ये रीज़न क्यों है, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वैसे तो अगर ये आपको समझ आ गई एक्स्ट्रा है ये एग्जांपल, वैसे अगर समझ आ गई तो अच्छा है, वरना आप छोड़ देना। सो एक्स की क्यूब को हम डिवाइड करेंगे एक्स की क्यूब के साथ, अब हम पता करेंगे। सो सबसे पहले तो x की क्यूब में से अगर आप x की स्क्वायर डिवाइड करोगे, आगे आप पढ़ोगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी पावर माइनस हो जाती है, सो पावर है ये सॉरी इसकी, सो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर 3 माइनस एक्स 2 एक्स आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर x की पावर 3 से कटेगी, सो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए अगर x की पावर 3 में से 3 माइनस किए तो x की पावर 0 ही आई है, सो x की पावर 0 1 के इक्वल है, ये आपको इस डाटा से पता चल चुका है, अगर नहीं भी पता चला तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर आ जाए। सो जैसे हम मान लेते हैं a की पावर -m आ जाए, तो इसे हम कैसे किसके इक्वल करेंगे, इसे आपने इक्वल कर देना है a की पावर 1 ओवर a की पावर m। कैसे समझाता हूँ। सो मान लीजिए 2 की पावर -7 है, सो अब माइनस जो होता है उससे हम नंबर को उल्टा कर देते हैं। अब अगर 2 है तो 2 के नीचे 1 ले लेंगे, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 ले लेते होते हैं अगर कुछ नहीं होता, ये आपने फ्रैक्शन चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। सो अब देखिए इसे आपको उल्टा कर देना, 1 ओवर 2 की पावर 7 आ जाएगा, ये आ चुका आपका आंसर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 की पावर 7। सो 1 ऊपर लाया हमने, कई बार ऐसे होता है कि 3 ओवर 7 की पावर -3 होगी, सो इसे आप कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे अब इसे उल्टा कर दो, 7 ओवर 3 की पावर 3 आ जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी बस। ये आप सभी को उम्मीद करते ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। सो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, वो हम बाद में जैसे क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको आ जाएंगी बहुत ही इजीली। सो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ लॉज हैं जो मल्टीप्लाई डिवाइड एट्सेट्रा करने में आपके काम आएंगे। सो ये लॉज अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। सो सबसे पहले तो आप देखिए लॉ नंबर 1, ये आप चाहे नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अगर कोई नंबर हो इन द फॉर्म
एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई एक्स की पावर जेड। देखिए जो नीचे वाले नंबर है वो दोनों सेम है, मगर जो पावर्स है वो अलग अलग है। सो एक्स की पावर ये आ जाएगी वाई प्लस जेड। अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर को क्या कर देना, प्लस। एग्जांपल के लिए नंबर लेंगे 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। सो पावर नीचे वाले नंबर सेम है, सो 7 और 4 को प्लस कर देंगे 3 की पावर लिखकर, 7 प्लस 4 यानी आ जाएगा 3 की पावर 11। सो 3 की पावर 11 हो चुका है। अब इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दूंगा थोड़ी सी अच्छी वाली। सो 3 की पावर 7 × 3 की पावर -4। अब यहाँ पे भी प्लस करने, मगर यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 7 + -4। सो प्लस माइनस माइनस 3 की पावर 7 - 4 आ जाएगा। अब 3 की पावर क्या आ जाएगी 3। सो ये भी आप सभी को समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आएगा तो वो इस फॉर्म में आ सकता है, x की स्क्वायर मल्टीप्लाई x की क्यूब। सो 2 + 3 कर देना, x की पावर 2 + 3 यानी x की पावर 5 आ जाएगी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये लॉ नंबर 1 आपका हो चुका है। लॉ नंबर 2 पर अब हम आते हैं। लॉ नंबर 2 में क्या होता है, x की पावर y है और डिवाइड करना है x की पावर z के साथ। सो यहाँ पे बस माइनस हो जाएगा, ये बहुत ईजी है, ये भी हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 7 है, डिवाइड करना है 3 की पावर 4। सो 3 की पावर 7 में से माइनस कर देना 3 4 यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होंगे कैसे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। जैसे 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -4 है, सो ये कैसे करेंगे। अब 3 की पावर 7 माइनस तो करना ही है और नंबर में भी माइनस है, सो -4 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 7 + 4 यानी 3 की पावर 11। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जैसे 4 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2। सो यहाँ पे अब होगा क्या, 4 की पावर -6 इसमें से माइनस कर देनी है पावर, यहाँ पे 3 नहीं सॉरी यहाँ पे 4 ही आएगा। सो माइनस इसमें पावर कर देने -2। सो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 की पावर -6 + 2। अब इसका कोई काम नहीं है जो साइड में होती है, सिर्फ जो पावर साथ में होंगी वही चेंज हो सकती है एक नंबर में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ऑपरेशन कर सकते हैं, 6 में से 2 माइनस कर देने हैं, 4 आ जाएगा, बड़े वाले के साथ माइनस हो जाएगा। सो 4 की पावर -4 आ जाएगी। अब इसे कैसे लिख सकते हैं आप, 1/4 की पावर 4, ये मैंने आपसे को पहले समझाया था। सो ये हो चुका है आपका लॉ नंबर 2। फ्रेंड्स नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 3। इस लॉ का नाम है पावर ऑफ पावर। ये बहुत ही बेस्ट लॉ हम इसे कह सकते हैं, बहुत ही इजीली समझ आ जाता है। ये एक्स की पावर वाई है और उसकी ही पावर जेड बताई हुई है। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वाई को जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वैसी पावर आ जाएगी। यानी देखिए ये आप सभी को इतना तो पता चल गया होगा कि ये यहाँ पे क्या कहा गया है, वाई और जेड होते हैं तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 की पावर 3 की पावर 5। अब देखिए 3 की पावर 3 × 5 कर देना यानी 3 की पावर 15 आ जाएगा। अब और थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल, -2 की पावर 3। सो -2 को अपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4 की पावर -6 आ जाएगी। इसे उल्टा करके लिख देते हैं, 4 की पावर 1/4 की पावर 6। ये अकॉर्डिंग टू वट मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला समझाया था। सो अब हम चलते हैं लॉ नंबर 4 के ऊपर। सो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जिनका एक्सपोनेंट सेम हो। अब देखिए जैसे एक्स की पावर वाई मल्टीप्लाई जेड की पावर वाई। अब देखिए पावर सेम है तो क्या होगा, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स जेड की पावर वाई आ जाएगी। यानी मानते हैं हमें नंबर 2 की पावर हम क्या मानेंगे, 3 × 6 की पावर 3। सो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम ही रहेगी क्योंकि पावर तो सेम ही है, 12 की पावर 3 आ जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर एक माइनस वाला आ गया तो बस समझ आ चुका है बस आप सभी को। सो अब है आपका लॉ नंबर 5 की बारी। उसके बाद में जो लॉ है वो मैंने आप सभी को समझा दिया है, 0 एक्सपोनेंट वाला, वो तो 1 के इक्वल था, वो आप सभी को पता है। सो डिवाइडिंग नंबर विद द सेम एक्सपोनेंट, जो नंबर्स को डिवाइड करना है कि उनका सेम एक्सपोनेंट हो। अब देखिए जैसे हम मान लेते हैं एक नंबर है a/b, सो इसकी पावर है n। अब आप इसको मल्टी मतलब
इस नंबर की ये पावर n है। तो देखिए दोनों की ही पावर n है, ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। वैसे अगर मैं आपसे एक बता दूं, लॉ नंबर 4 तक आपके इम्पॉर्टेंट है, इससे बाद वाला जो लॉ नंबर 5 है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लॉ पहले 4 आ गए और आपने मेरी हर एक एक्सरसाइज वाली वीडियो देख ली तो आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर आ जाएगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स अब ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, ये अच्छी तरह से समझ लेना। सो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए कुछ इसकी कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं आपको, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए मतलब आपको सब कुछ आ गया। सो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर लेंगे। सो एग्ज़ाम्पल है, आपने लिखना है, जैसे हम मान लेते हैं 123 को एक्सप्रेस करने वाले हैं हम किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले 100 का तो आप सभी को पता ही है। सो 100 में क्या होगा कि आप 1.00 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10^2 के साथ, ही आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग हो चुका है, ये आपको शायद अभी समझना है मगर ये ज़रूर आएगा। सो सबसे पहले तो पहला नंबर ले लो, 1 है, फर्स्ट नंबर क्या है 1। सो 1 के बाद में पॉइंट लगा दो 2 और 3। अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद में 1, 2। सो 10^2 उतनी हो जाएगी, 10^2। सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूँ, 1579000। सो इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 तो पहले ले लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए 579। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 10^2 कितनी आ जाएगी, 6। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आराम से हो सकते हैं। एक और एग्जांपल करा देता हूँ। सो एग्जांपल के तौर पे अब मैं आप सभी को कराता हूँ ये क्वेश्चन, जैसे ये वाला है 6, 8, 4, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0। सो अब देखिए 6 के बाद में पॉइंट लगेगा इतना तो बताइए, और ये सारा नंबर पॉइंट के बाद लिख लो 8, 4, 3, 2, 0, 0 कुछ नहीं डालना आपने। देखिए बस 10^2 कितनी आ जाएगी, अभी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 10^9 आ चुका है। सो ये आप सभी को समझ आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है इससे इसको कन्वर्ट करना। अब इससे इसको तो आपने कन्वर्ट कर लिया मगर इससे इसको, अब देखिए अभी पॉइंट वाला मैं करा नहीं रहा हूँ, पॉइंट वाला इसे समझने के बाद मैं आप सभी को कराता हूँ क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा सब कुछ। सो देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले जो आपका नंबर है 6.8432 इसे मल्टीप्लाई करना है अपने 10^9 के साथ, 6.8432। सो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद में 9 नंबर होंगे, ये आपको पावर किस से पता चल जाएगा। सो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट के बाद में 9 नंबर है, 1, 2, 3, 4, बट यहाँ पे तो 4 हैं। अब देखिए आपको इससे 9 बनाना पड़ेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इससे पीछे 0 लगा दो बस, जितनी चाहिए आपको 5 जीरोस लगा दिया आपका नंबर आ गया। वैसे ही एक और करके दिखाता हूँ, जैसे 1.53 × 10^3 है। सो अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले तो यही नंबर लिख देते हैं 153, ये लिख लिया आप सभी ने। सो फ्रेंड्स अब 153 को मल्टीप्लाई करना है 10^3 के साथ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10^3, पॉइंट यहाँ पे लगा था, पॉइंट के बाद 1, 2, एक नंबर और चाहिए, 0 लगा दिया। थोड़ा सा अब अच्छे वाला क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे 15739। सो देखिए अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे लगा है और इसे मल्टीप्लाई करना है 10^2 के साथ। सो इस नंबर को वैसे ही लिख लो, 10^2 है, पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट के बाद में 2 नंबर आएंगे, 1, 2, मतलब यहाँ पे ये नंबर है और उसके बाद में पॉइंट लगा, तो बस ये आ चुका है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम पॉइंट वाले नंबर करते हैं अब थोड़ा सा डिफरेंटली। सो जैसे है 0.006, आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 21। सो इसे आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये नंबर ले लीजिए, 6 है ये नंबर। सो 6 को मल्टीप्लाई करना है 10^2, अब यहाँ पे माइनस में आएगी पावर, माइनस में कैसे आएगी, आपने क्या गिनना है सबसे पहले तो बात, 1, 2, 3 बस गिन लीजिए, 10^-3 आ जाएगा आपका आंसर। सो
वैसे ही एक और कराता हूँ मैं आप सभी को, जैसे है 0.003001. सो देखिए अब यहाँ पे जो आपने नंबर ले लेना सबसे पहले, तो जैसे 3 है यहाँ पे, सो 3 के बाद में भी कोई नंबर है, जब तक 0 नहीं जाता तब तक आपने नंबर को तो लेना पड़ेगा 3.001. सो अब इसे किसके साथ में आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, सो 10 की पावर तो ले लेनी है, माइनस में पावर आएगी ये पक्का है. अब पॉइंट के बाद में नंबर गिन लो बस वहाँ तक जहाँ तक पॉइंट है मेन नंबर पे, 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट था, सो 10 की पावर -2 आ जाएगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपको जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा सो और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे. सो फ्रेंड्स आज की वीडियो को इतना ही, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.